मनीषा रानी शीला की जो ये आज तो बहुत लकी दिन है। लाइफ में बस उड़ी लेकिन गाड़ी चले रूट पे, ब्रेक कहाँ लगेगी डिपेंड करता मूड पे। आधी नहीं चलानी मांगे चाबी दोस्त कूट दिए, साले ये हरामी मुझे छोड़ेंगे हाँ लूट के। सो गाइस व्हाट्सअप, अभी हमारा ये बेचारा बंदा हॉस्पिटल में एडमिट है। हाँ जी, आप कुछ घर घर मेरे को घर मेरा घर है। हाँ बिल्कुल है, क्यों नहीं है। एक नया घर बन रहा था, उसका क्या अपडेट है। वो घर तेरी वेट कर रहा है, कह रहा है कि अभिषेक आए तो फिर पुराना वाला नया वाला, पुराना वाला भी नया वाला भी, कहीं भी ले जाओ पर जहाँ मैं पर यहाँ से ले जाओ, जहाँ मैं कह सकूँ मेरा घर है वहाँ ले जाओ। चलो भाई मलन साहब उठ जाओ भाई, अब तो घर तो डॉक्टर के कहने पे जाएंगे, ठीक हो जाए फिर चलते। यहाँ पर भी वही हो रहा है, कुकड़ उकड़ू 8 बज गए हैं सुबह, उठ जाओ। ओए होए, देखो मैं फोन पे किससे बात कर रहा हूँ, शेर से। शेर 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 अकेला आता है या अकेला शेर है, ये मेरा शेर है। कितने टाइम बाद फोन मिला इसको, हाय वीडियो कॉल भाई भाई को देख रहा है कितने। देखो मैंने एक चीज बोली थी, पूरे हिंदुस्तान के सारे क्रिएटर एक तरफ खड़े हो जाएं, मेरे पास एक मेरा भाई अकेला वो ही काफी। वन एंड ओनली पीस है भाई, और जेन्युइन। ये होती है अप्रिसिएशन दोनों तरफ से, गुड। शेर का भाई तो फिर शेर ही होगा, शेर का भाई तो शेर ही, बड़ा भाई शेर है तो छोटा तो शेर होएगा ही। अबे पर अब ये शेर, अभी शेर घायल शेर हो चुका है, शेर मच्छर से घायल हो चुका है अभी तो ट्रिगर्ड इंसान। फर्स्ट ऑफ ऑल आई लव यू, आप हो तो हम हैं, आपकी वजह से ही हम हैं। और ज्यादा नहीं हो रहा ये कुछ अब है। अभी मिलके जब ये दो महीने का बात करेंगे। हाँ। अभी ऐसे फेस टाइम पे एक्चुअली ये हॉस्पिटल में लेटे लेटे परेशान हो चुका है, इसने सोचा था बिग बॉस खत्म होएगा तो आराम से घर जाऊंगा, बड़ी सुख शांति वाली जिंदगी बिताऊंगा मैं, लेकिन इसको क्या पता था कि ये बीमार होके हॉस्पिटल में आ जाएगा। वहां भी एक जेल थी, एक यहाँ पे जेल है। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है मेरे सामने। क्या वो पूछ रहे हैं कलर्स सीजन 17 करेंगे क्या? सॉरी गाइस, दैट्स नॉट मी। ये देखो, एक बार ओटीटी करने गया था तो एक दो ये तीसरी अभी निकाली है और चौथी यहाँ पर थी, चार ड्रिप्स और कम से कम 15 बोतलें लग चुकी हैं। 15 बॉटल तो वो मेरे को वहीं पर, मैं उनको बता देता हूँ। देखो लड़कों, दोस्तों, प्यारों, भाई बहनों और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स और जो भी मुझे प्यार करते हैं, ये एक हमारा चैनल है डिंपल मलन व्लॉग्स, जहाँ पर हमारी फैमिली की गुफ्तगु, प्यारी प्यारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी कि हम जिंदगी में क्या करते हैं। तो आप हमारी फैमिली को फॉलो करो, हम यहाँ भी बिग बॉस खेलते हैं तो हमारा बिग बॉस देखो, जहाँ पर पापा हमारे बिग बॉस है और हम छोटे छोटे कंटेस्टेंट्स हैं। ये इनसे मिलिए, ये है बिग बॉस। बिग बॉस खुद ही, ये बिग बॉस पहला बिग बॉस है जो खुद ही खराड़े मार के सोता तो ठीक है, तुम समझो। अब बिग बॉस देखने तो यहाँ पर सब्सक्राइब कर लो, उसके बाद मेरे चैनल है, मैं गाने गाता हूँ, फिर मेरा IRL कंटेंट है जहाँ पर मैं बहुत मस्त मस्त वीडियोस बनाता हूँ, फिर मेरा भाई है जो मस्त चीज होती है उसको रोस्ट करता है, और फिर मेरी बहन है वो भी ट्रैवल ब्लॉगर है। तो आप हम सबको सब्सक्राइब करो, हमारी जितनी ऑडियंस है यहाँ देखो, हमारे को खुशी से यहाँ खेलते हैं, मतलब सब्सक्राइब करो, टिल्लू को लाइक करो और सुनाओ। बाकी सीजन 17 का भी देखा जाएगा, मतलब अभी है कीड़ा। कीड़े तो मेरे में बहुत है भाई, 2 महीने में ये हाल है, वो तो 4 महीने का होता है, पता नहीं फिर क्या होगा तेरा हाल, ये बता जो होगा। हाँ, जो होगा देखा जाएगा। Yes, my friend. तो हमें 3 दिन हो गए हैं हॉस्पिटल में और आज हमें एक स्पेशल पर्सन का फोन आया है जो अभिषेक से मिलना चाहता है, तो हम अभी उसको लेने जा रहे हैं नीचे हॉस्पिटल में, मिलने आ रहा है। कौन है वो, जब आएगा तब दिखा देना। तुझे पता है कौन है? नहीं।
वो मुझे फोन आया है कि मैं आना चाहता हूँ इससे मिलने, चाहता हूँ या चाहती हूँ ये तो आपको अभी दिखाते हैं। और जो गेस्ट आने वाले थे अभिषेक से मिलने तो वो आ चुके हैं और मैं नीचे आ गई हूँ पास लेके, क्योंकि पास के बिना एंट्री नहीं है। तो दिखाती हूँ आपको कौन आया। और ये स्पेशल गेस्ट जो अभिषेक से मिलने आई है। तो मैंने ना अभिषेक को बिल्कुल नहीं बताया कि कौन आने वाला है, उसके लिए सरप्राइज है। हाँ हाँ ठीक है, देखते हैं। उसको नहीं बताया? उसको नहीं बताया मैंने। बहुत मैंने उसको बताया बस कि कोई आने वाला है। अब ये भी नहीं बोलते ना, और ज्यादा इंटरेस्टिंग होता। अभी तू एक मिनट रुक, सरप्राइज अभिषेक तेरे लिए, सरप्राइज। ये देखो कौन आया है। आ जा अंदर, आ जा। मनीषा रानी, शीला की इतने सॉरी, शीला की जो आई पंटोले फाइनली। तू कैसा है? ये एकदम मजेदार। अंकल नमस्ते। अरे अरे नहीं, बेटियां नहीं पांव छूती। बेटी हाँ, गले कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, आप सुनाओ। क्या बात, आज हैंडसम लग रहे हैं। क्या कर लिया कल? कल बुजुर्गों वाला वो पहना हुआ था ना। आप तो अभिषेक से ज्यादा हैंडसम आज गौर किया। अगला बिग बॉस सीजन। हाँ भाई, भाई साहब जेल चला जाऊंगा यहाँ पर, बिग बॉस में निकल जाऊंगा। यहाँ पे भी इसकी फ्लडिंग शुरू हो रही है। क्यों हमारे घर छोड़ने पे तुली है? कह रही है मेरे चाची है, मेरे मम्मी पापा का रिश्ता तोड़वा रही है। शर्म आ रही है, मेरे पापा भोले हैं, बहक गए। तो तेरे पापा बिल्कुल तेरे पे गए, जैसे तू नहीं बहकता था अंकल भी नहीं बहकेंगे। समझ रहे हो मैं भोला क्यों? क्योंकि मैं पापा पे गया हूँ। पापा भी हमारे भोले से ही हैं। बहुत अच्छे हैं। थैंक यू बेटा, आप अच्छे। आपने नोटिस करा इसने? देखो अभी भी अभिषा वाला लॉकेट पहन रखा है। हमको इसको और हैशटैग वायरल करना। कोई देखे तो बोले अरे मनीषा रानी पूरा मेंटेन कर रही है। इतना भी नहीं बोलना था। यही तो मेरा प्रॉब्लम है ना यार, जब से आई है फोन में लगे हुए हैं दोनों जाने। अरे दोनों जाने नहीं, मेरे फोन में ये लगी हुई है, फोन ही नहीं छोड़ रही। तेरे को कैसा लग रहा है अब इतने दिनों बाद फोन मिला है? हाँ, तो क्या चेंज आया, तेरे को कैसा लग रहा है? देख रहे हैं सिर्फ प्रमोशन पे प्रमोशन, कॉल पे कॉल आ रहा है। दिल्ली प्रमोशन, दुबई, लंदन, बाप रे बाप। हाय 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 हाय, तू तो फेमस हो गई। अरे हमारे क्यों नहीं बज रहे? सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी बात सुन, अभी हम ऑटो से आए समझाओ, मार्क्स लगा के। अब मेरे फ्रेंड लोग बोल रहे हैं, एक दो फोन कर रहा है, वो बोला कि मेरे से कार ले लेना, मतलब है एक दो अच्छा फ्रेंड। अब मेरा ये कहना है कि मेरे को अच्छा नहीं लगता मांगना, हम अपना इसमें भी कंफर्टेबल है। अब सब हमको बोल रहा है यार हम रात रात तो करोड़पति नहीं है बन सकते यार, ठीक है फेमस हो गए। ऑटो की सवारी सबसे अच्छी होती है। नहीं हम इसलिए बोले कि हम रातों चलिए हम फेमस हो गए। मुंबई में वैसे ही बहुत दिक्कत है पार्किंग की। इतना हैंडसम लग रहा है, चलिए। मैं कह रहा हूँ पापा पीछे से कुछ भी बोले जा रहे हैं, चाचा को कुछ नहीं बोला, चाचा हो गया। अंकल सोच रहे हैं कि काश हम मनीषा के टाइम पे रहते हैं ना, तब ये सौभाग्य फ्लर्टिंग का मुझे मिला। अंकल कोई नहीं, अपने आंटी को ट्रेन कर देंगे आपके लिए। पापा की चाय नहीं अंदर। ब्लश देख जरा उनका फेस देख। वही बोल रहे हैं, हम तो नहीं कर सकते हैं, शोभा नहीं देगा, बट हम अपने आंटी को सिखा देंगे, वो आपसे कर लेगी। ठीक है, मैं अब आज से अंडर ट्रेनिंग होते रहे। हम तो सोचे कि फ्लर्टिंग क्लास खोलेंगे, क्योंकि मुझे बहुत लोग ने बोला है कि आप एक फ्लर्टिंग एकेडमी खोल लीजिए। अच्छा ठीक है, सबसे पहले स्टूडेंट मैं ही हूँ। ठीक है, सबसे पहले आप रहेंगे डेमो के लिए, हम अंकल को और अपनी आंटी को बुलाएंगे। कुछ ऐसा क्या कर रही है यार? तो क्या होगा, तुझे अपनी मम्मी पे भरोसा है ना? जीतेगी मम्मी। हाँ, तो फिर अब मनीषा सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, तेरा स्वयंवर कब हो रहा है? हम बोले थे मेरा स्वयंवर लोग करेंगे, हम अपने कहाँ से इतना खर्चा कर रहे हैं। ये पानी पूरी खाओ। थैंक यू। मैंने कहा बहुत दिनों बाद तुम घर से निकले हो तो बाहर का खाओ,
और बताओ कैसा लग रहा है? ये देख रहे हो यहाँ पर आके भी इसको तो ऐसे कह रही जैसे घर में बनाया है। इसको मत खिलाना, नहीं खाएगा इसको मत खिलाना। क्यों? नहीं नहीं बाजार का नहीं, पूरी भी एक भी नहीं खाएगा। नहीं देना ही नहीं है, ये ठीक हो जाए पहले। अरे आपको बेटा नहीं आप एक 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 अरे अरे हाथ से खाई ना फिर मनीषा रानी आपको मिलेगी क्यों नहीं मिलेगी? दिल्ली आना है, अरे तुम्हें आना है, दिल्ली आना है हमें मिलना है, ठीक है? अब तू खा ले, मैं खिलाती हूँ ना मेरी तरफ से। वैसे मैंने घर नहीं बनाए, जब घर आएगी तो मैं खिलाऊंगी अपने घर के हाथ से बना के। बाहर की मॉडल नहीं, घर की मॉडल चाहिए मनीषा। बाप रे बहुत टीका है, यही दिखाना था। चाहता हूँ ये सब इसने सीखा कहाँ पर है? वो करे पूरे ऐसे ही है घर में जितने और चाहते हैं। हग अंकल को कर रही है, बाय आंटी को कर रही है। अरे आपके तो दिल में हम बसे हुए हैं। इधर मेरे को ऐसा ही इन्वायरमेंट चाहिए जहाँ हमेशा कैमरा ऑन हो। बहुत सही है, बिग बॉस यहाँ अगर सेलिब्रेशन चल रही होती तो मतलब मैं नहीं आता, फोन कर देता, पर ये टाइम ऐसा था मुझे लगा मुझे जाना चाहिए। फिर मैं आया पर मैंने फोन भी कराया नीचे से, मेरे पास कार्ड नहीं था, पता नहीं कौन था, उनको बोला हम जानते ही नहीं, उन्होंने सुबह आता हूँ आज तो टाइम पास हो गया तेरा। अच्छा दो मिनट शांति। अच्छा डेरी मिल्क चॉकलेट। हाय कितने टाइम बाद खाई, कितने 60 दिन बाद, ज्यादा ही हो गया अब तो। डेरी मिल्क सिल्क में जो मजा है, मदहोश हो गया मैं। ओए प्रिंस भाई आए, इतना पॉजिटिविटी लाए, जेन्युइन कुछ ऐसी बातें बोल गए जो यहाँ बिल्कुल हो गई कि आ हा हा हा। और मैं उनको बोलना भूल गया, मैं कहना चाहता था प्रिंस भाई अच्छा लगेगा एक सीजन हो जहाँ आप भी और मैं भी हूँ। मजा आएगा ना, कहा क्यों नहीं। वो इतने अच्छे से समझा रहे थे, मैं कहेंगे ये क्या बोल गया बे, मैं तो समझा रहा तेरे को। मतलब दिल से बहुत सारा प्यार प्रिंस भाई को। इट वॉज लवली मीटिंग यू एंड अरुण भाई, आई लाइक चिच, दोनों स्मार्ट बॉयज। और उन्होंने बोला कि अब इतना स्लिम ट्रिम हो गया कैसी रही हो, मैंने कहा ठीक है बॉडी बना लेंगे फिर अंदर ही अंदर स्ट्रेडिड। इश्क चेचना।